कह सकते हो बिग बॉस की बात तो आपसे करना बनता ही है, तो क्या कहेंगे कि अब फिनाले आ गया और काफी धमाल भी मच रहा है घर के अंदर, क्या लगता है कौन अभी एलिमिनेट हो सकता है या फिर नहीं होगा कोई? मेरे हिसाब से दो लोग एलिमिनेट होंगे, टॉप फाइव लोग जाएंगे और वो होने वाला है। वैसे कि मिड वीक रात को जैसे तीन लोगों लाइन में खड़ा कर देंगे, कोई आग जलेगी, कोई पटाखे जलेंगे, और सना तो सेफ है, तो बाकी दोनों को टेंशन होने का काम है। सना 100% लास्ट में हाथ खड़े होने तक भी शायद आ सकती है, दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके, लास्ट में ये जानना चाहूंगी कि सना की बात जिस तरह से आपने की, तो स्वयंवर की बात तो की जा रही है लेकिन कहा ये जा रहा है कि होस्ट के तौर पर सिद्धार्थ आ सकते हैं, क्या लगता है? अगर सिद्धार्थ होस्ट होंगे तो सना किसी को पसंद कैसे करेगी जी, वो तो बोलेगी मुझे होस्ट से करवा दो, जैसे यहाँ सलमान भाई को देखती है वैसे वहाँ तो सिद्धार्थ बस जम मार देगी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, होस्ट को शीशे के पीछे रहना पड़ेगा। भाई नहीं ना कहीं बात तो ये आ रही थी कि शहनाज अगर ना करनी है तो आसिम को अप्रोच किया जाएगा इस चीज़ के लिए, आपको क्या लगता है कि आसिम का स्वयंवर अगर होगा तो? नहीं, आसिम को नहीं अप्रोच किया जाएगा, आपको समझ में, आसिम का जो मज़ेदार क्वालिटीज़ हैं वो बहुत कम दिखती हैं, वो जब दिखाते हैं ज़बरदस्ती करके तो मज़ेदार दिखते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। शहनाज कुछ भी करती है तो हंसी आती है, मज़ा आता है, तो आई थिंक शहनाज इज़ द परफेक्ट चॉइस। और मुझे लगता है ये और कोई हो तो आई थिंक ये पारस जैसे का होता तो भी मज़ेदार होता, यू अंडरस्टैंड, ऐसे लोग जो एंटरटेनिंग है, वैसे टाइप के लोग जैसे जो कुछ भी कर सकते हैं। आपने पारस का नाम लिया, वैसे प्लेबॉय का टैग उन्हें मिला है, लेकिन सिद्धार्थ सारी लड़कियों के साथ तो सिद्धार्थ का स्वयंवर हो तो बाप रे बाप, सुपर डुपर हिट हो जाए। जिस सिद्धार्थ का और शहनाज का स्वयंवर हो और लोग आए उनसे शादी करने के लिए और एंड में वो बोले हम दोनों ही एक दूसरे से कर रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा, आई थिंक इट विल बी फन। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि सिद्धार्थ ने कोई ऐसी घर में लड़की नहीं थी जिसके साथ फ्लर्ट ना किया हो, क्या कहेंगे आप? सैटरडे के बाद के बिग बॉस में आप भी देखा हो इस हफ्ते, तो क्या कहेंगे, कोई ऐसी न्यूज जो आपको लगी कि ये होगा तो शायद इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि शहनाज के स्वयंवर की बात भी आई? मैं जब भी सिद्धार्थ और शहनाज को साथ में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ देम इन बिग बॉस, मुझे यही दोनों दिखते रहे काफ़ी है। आसिम के स्वयंवर की बात भी सामने आ रही, तो क्या लगता है कि शहनाज का होना चाहिए या फिर आसिम का होना? शहनाज का। और बात तो ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की मतलब शहनाज के स्वयंवर में सिद्धार्थ होस्ट बनता है। सीरियसली नहीं यार, मैं तो इन्हीं दोनों का देखना चाहूंगी। ओके, लास्टली क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा अब विनिंग मोमेंट किसके लिए होना चाहिए? सो मैंने जैसे आपको बताया मेरे फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला, और शुक्ला ही जीतना चाहिए मेरे हिसाब से जिस तरह से मैंने गेम फॉलो किया है। देखो आप बोलोगे एग्रेसिव था, गाली देता था, ये तो कौन नहीं दे रहा, लड़कियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लड़कों की तो बात ही पीछे कर दो, और एग्रेसिव सब है। आसिम से ज़्यादा इतनी लंबी लंबी जमान लड़के निकाल के जो लड़ा है वो, उससे ज़्यादा सिद्धार्थ शुक्ला नहीं दिखा मुझे। सिद्धार्थ शुक्ला इमोशनल भी है, उसका ह्यूमर भी बहुत कमाल का है, सो आप सारे एंगल्स अगर देखोगे, और वो गेम खेलने से ज़्यादा गेम को समझता बहुत अच्छी तरह से, सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट शुक्ला, एंड आई वॉन्ट टू सी हिम एज अ विनर। और साथ में उसके देखना चाहूँगी मैं शहनाज को, मतलब टॉप टू में देखना चाहूंगी इन दोनों को। लास्टली आपको क्या लगता है, आप घर से कौन बाहर हो सकता है, क्योंकि मिडवीक इविक्शन की बात की जा रही है? आरती और माहिरा में से डेफिनेटली दोनों में से एक होगा, लेकिन हो सकता है कि माहिरा चली जाए, बट आई डोंट नो, शी इज प्रिटी। अभी ऑफ लेट तो कुछ ज्यादा अच्छी दिखने लग गई है वो, जैसे अभी येलो वाला कुछ पहना हुआ था, शी लुक वेरी प्रिटी, और मैं अब कोई भी निकलेगा तो दुख होगा, लेकिन अब निकलने का टाइम है, तो आई थिंक मायरा शायद निकलेगी। ओके, बिग बॉस के फिनाले की बात करें तो शिफाली परफॉर्म करने वाली? ऑफ कोर्स करेंगी, बट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं क्योंकि इस बारे में बात नहीं हो पाई है हम लोगों की, बट मुझे लगता तो है कि डेफिनेटली करेंगी तो है वो, और ऑफ कोर्स मैं तो लुक फॉरवर्ड करूंगा उस परफॉर्मेंस के लिए। रिसेंटली रैंकिंग हुई थी, मुझे लगता है थोड़ा तो फॉलो किया होगा आपने, लेकिन क्या कहेंगे रैंकिंग वाइज जो की गई थी, कितना सही रैंकिंग थी? रैंकिंग मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है सिद्धार्थ एंड आसिम, आरती बहुत स्ट्रांग हो गई है सडनली, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है वहाँ पर शहनाज को होना चाहिए था। अब एक्चुअली अभी क्या है, मुझे पारस डेफिनेटली वो सेव हो गया है उसमें, पारस भी अच्छा खेल रहा है, अभी बहुत कंफ्यूजन है यार, और ऊपर से बिग बॉस ने सात लोगों को अंदर रखा हुआ है, तो वैसे ही और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मिडवीक इविक्शन अगर हुआ तो क्या लगता है कौन हो सकता है? मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है माहिरा हो सकती है पहले, और माहिरा के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो शहनाज की स्वयंवर की बात आ रही है, क्या लगता है शहनाज का स्वयंवर होना चाहिए या फिर सिद्धार्थ का? शहनाज का ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि शहनाज जो
मतलब वो जैसी है ना वो वैसी है यार, और मेरे ख्याल स्वयंवर के लिए वैसी ही लोगों की ज़रूरत है, जो दिल में है वो ज़बान पे है, और बहुत ही मज़ा आएगा मोस्टली आई होप कि होस्ट अगर ये हमारी सिद्धार्थ नहीं कर दिया तो क्या हो होस्टिंग, तो भाई वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से सोमवार में जितने भी लड़के आएंगे उनको तो देखेगी नहीं, उसे होस्ट को देखती रहेगी सिद्धार्थ मुझे टेंशन चाहिए। अच्छा अगर पूरे शो की बात की जाए तो जितना नाम पारस का जुड़ा तो एज अ संस्कारी प्लेबॉय, लेकिन सिद्धार्थ है जो जिन्होंने हर एक मेंबर के साथ फ्लर्ट किया होगा, जो फीमेल एक्टर्स होंगे क्या कहेंगे? नहीं सिद्धार्थ ने बहुत ही हेल्दी फ्लर्टिंग की अगर मैं ये बात करूँगा, और सिद्धार्थ ने कहीं ना कहीं एक लाइन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, उसने कभी लाइन को क्रॉस नहीं किया है, और सिद्धार्थ ने इस घर के अंदर अकेला ऐसा बंदा है जिसने बहुत सारे अपने शेड्स दिखाए हैं कैरेक्टर के, और जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं, बाकी सब लोगों ने शायद दबा के रखे हुए हैं हर चीज़ को। उसने एग्रेशन भी दिखाया है, वो अपने टीम के लिए खड़ा भी रहा है, अपने दोस्तों के लिए खड़ा भी रहा है, भले वो सही हो गलत हो इट डजंट मैटर, वो खड़ा हुआ है अपने लोगों के साथ। उसने कंपैशन दिखाया लोगों के लिए, आपने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी रिसेंट बता सकता हूँ कि जब देबोलीना गई थी कनेक्शन बन के रश्मि की, उनको बैक में पेन था, उनको उठा के लेके गया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे परी ने भी बताई हैं कि वो सब लोगों का बहुत ध्यान रखता था, और उन्होंने एंटरटेनमेंट भी किया, तो मेरे हिसाब से वो कम्प्लीट पैकेज हैं उस शो के लिए। और अच्छा केमिस्ट्री की जब बात की जाती है तो रश्मि की बात सबसे पहले आती है सिद्धार्थ के साथ, क्या लगता है शहनाज को रहना चाहिए उनके साथ या फिर कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन अगर मौका मिले तो रश्मि के साथ भी उन्हें काम करना चाहिए? आई थिंक ऑन स्क्रीन मुझे दोनों की केमिस्ट्री, वो उड़ी उड़ी गाने पे उन्होंने जो किया था आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था यार, वो कमाल था, इतना दोनों एक दूसरे को नफरत करने के बाद भी उन्होंने जो कमाल की स्क्रीन पे केमिस्ट्री दिखाई थी, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, दोनों कमाल के एक्टर हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों को, और मुझे उम्मीद है अगर उनको ऑफर मिला तो वो कभी मना भी नहीं करेंगे, आई होप कि दोनों को, बिकॉज ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उनकी जोड़ी को, तो शायद शहनाज से ज़्यादा मैं रश्मि के साथ उनको ऑन स्क्रीन देखना चाहूँगा। लास्टली व्यूवर्स से क्या कहेंगे, आप भी शो में आ चुके हैं, शिफाली भी जल्दी परफॉर्म करने करती दिखाई देंगी बिग बॉस में, क्या कहेंगे कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ये सब कुछ? नहीं ऊपर वाले के मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्हीं की कृपा है सब कुछ जो हम जहाँ तक इस मकाम तक पहुँचे हैं, और आप लोगों का प्यार है ऑफकोर्स, परी 13 हफ्ते बिग बॉस के घर में, जो कि टेक्निकली बिग बॉस हमेशा जो होता है वो 12 हफ्ते का होता है, और 13 हफ्ते 3 महीने के ऊपर उन्होंने बिग बॉस के घर में गुजारे, उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार था, बस मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना प्यार पहले से दिया है हम दोनों को आगे भी देते रहिए, मेरा शो अभी शुरू हुआ है जिसमें आज मेरी एंट्री हुई है शक्ति में, तो आप शक्ति को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना मुझे ब्रह्म राक्षस में दिया है और हर शो में दिया है, तो बस, और हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ओके लास्टली जानना चाहेंगे कि बिग बॉस को आप कितना फॉलो करते हैं और आप क्या कहेंगे किस तरह से 13 सीजन था तो कितना ज़्यादा आपके हिसाब से अच्छा हुआ? 13 सीजन वाकई में बहुत टेढ़ा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि अगर बिग बॉस सुन रहा है तो कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से सारे यंगस्टर्स को ही अंदर लो, ताकि वो मैच्योर्ड लोग रखते हो अंदर, फिर थोड़ा एक और तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रखते हो, तो लोग का रिस्पेक्ट की वजह से ट्यूनिंग और सब कुछ नहीं हो पाता। इस बार सब यंगस्टर्स आए हैं तो कैसे वो लोग एक ट्यूनिंग एक ज़बरदस्त सा माहौल बना के रखा हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई एम सपोर्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है जिस तरह से वो प्ले कर रहा है। एक्चुअली प्ले भी नहीं है वो, ऐसा ही है, आई नो हिम, इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट। अच्छा कह सकते थे पारस का घर के अंदर एज अ प्ले बॉय संस्कारी प्ले बॉय का टैग मिला, लेकिन ऐसा नहीं लगा आपको कि सिद्धार्थ ने सबसे ज़्यादा फ्लर्टिंग किया, उनके नाम सबसे ज़्यादा जुड़ गए सभी के साथ? देखो पारस छाबरा तो नो डाउट उसने जो स्टार्ट में जो शुरुआत की थी उसने बहुत अच्छा किया, संस्कारी प्लेबॉय वो क्या था आबरा का डाबरा पारस छाबरा, उसने अपना नाम भी बनाया है, उसने अपना बेस्ट किया है, पर होता है अपनी अपनी यू नो एक जर्नी होती है, कौन कहाँ से कहाँ निकल जाते मालूम नहीं पड़ता है, बट आई थिंक पारस छाबरा रियली प्लेड वेल एंड इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स, यू नेवर नो क्या पता वही विनर निकल जाए। आई यूज टू लव आसिम, मेरा पहला वोट आसिम रियाज के लिए था, पर 1.5 महीने पहले तक था, उसके बाद मैंने उसको मतलब आई डोंट लाइक सपोर्ट हिम, बिकॉज मुझे जो लोग लॉयल नहीं होते हैं फ्रेंडशिप को लेकर रिलेशन को लेकर मुझे थोड़ा उनसे दिक्कत हो जाती है, तो आई थिंक जो इंसान अगर आपके साथ कहीं पर खड़ा होता है कभी भी खड़ा होता है तो एटलीस्ट अगर आपको मतलब सपोर्ट नहीं करना है तो एटलीस्ट आप एक डिस्टेंस बना लो, एक डिग्निटी मेंटेन रखो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि एक टाइम होता है आपने उसके साथ स्पेंड किया है वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके कह सकते हो लास्टली आपका सपोर्ट तो सिद्धार्थ के साथ है, लेकिन क्या स्वयंवर की बात जो है वो क्या लगता है किसका स्वयंवर होना चाहिए और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कितना एंटरटेनिंग हो सकता है ये?
स्वयंवर तो मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का होना चाहिए तो मज़ा आएगा, क्योंकि वही एक सुर्खियां बटोरेगा कि ये क्या हो गया लेकिन ये तो सिर्फ मजाक था। स्वयंवर देखो मुझे पता नहीं कौन किसको क्या करना है, बट आई थिंक अगर पारस मायरा भी करना चाहे तो दे बोथ मेक अ गुड कपल, दे कैन गो अहेड एंड डू इट। ओके, शहनाज क्यों नहीं लगा आपको सिद्धार्थ के साथ, क्योंकि उनका शहनाज जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है, क्या कहेंगे? देखिए शहनाज इज़ अ वेरी वेरी क्यूट गर्ल, बट आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी यंग नाउ, आई मीन थोड़ा मेच्योरिटी और चाहिए रहेगी। मे बी वो शो के लिए शायद एक डिफरेंट लुक होगा, आई डोंट नो है पर्सनली, जब वो बाहर आएगी तो मैं अगर खुद देखूंगा तो मैं शायद बोलूँ कि हाँ यू नेवर नो कि बेटर हो या कुछ भी हो, बट शी इज़ अ फैंटास्टिक गर्ल, आई मीन एज अ लाइक बहुत ही क्लीन हार्टेड लड़की है, जो भी है वो मुँह पे है सामने सामने बोल देती है, फैंटास्टिक। ओके, लास्ट फिनाले में क्या लगता है सिद्धार्थ को सबसे ज़्यादा टक्कर कौन देगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ना इस शो में मतलब बिग बॉस के शो में मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, बहुत मतलब आई थिंक ही इज़ द मैन हु हैज़ टेकन दिस शो अहेड एंड टुक एवरीथिंग ऑन हिज शोल्डर। आई हैव नेवर स्पोकन फॉर एनीबॉडी लाइक दिस बिफोर, और लेकिन इस बार दिल से बोल रहा हूँ ही डिजर्व्स टू विन। या बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस काफ़ी धमाल मचा रहा है, फिनाले आ चुका है, और आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? सब लोग कह रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला जीतेगा, पर मैं चाहता हूँ शहनाज जीते या रश्मि जीते, मेरी दोस्त हैं। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट होता तो मैं शहनाज से शादी कर लेता, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट एंड लवर एंड, बट सब कह रहे हैं सिद्धार्थ जीते, पर जो भी जीते यू नो ये गेम है यू नो, पर जो पाँचों विनर्स हैं वो अपने आप में एक विनर्स हैं, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना, और इस बार बिग बॉस बहुत लंबा चला है, मैं बिग बॉस में रह चुका हूँ सीजन 3 में, बहुत टफ शो है एंड बहुत मेंटली टॉर्चर करता है आपको, सो आई थिंक सो लाइक आई मेड द बेस्ट कंटेस्टेंट मैन। अरे बड़ी क्यूट है वो यार, बहुत मेरे को क्यूट लगती है, डे वन से वो जैसी है वैसी है, सो आई रियली लव शहनाज अ लॉट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई थिंक जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा वो कितनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं, सो अब चीज़ अब एक उसमें एक इनोसेंस है, सो यू नो क्योंकि आप बिग बॉस में बहुत देर तक फेक नहीं रह सकते हो, सो मेरे को उसका बहुत क्यूटनेस बहुत अच्छा लगता है। रियली ये इसका मेरे को पता नहीं है, ओके मैं तो नहीं जाऊँगा स्वयंवर पे फर्स्ट शो, भोंदू नहीं होना चाहिए बिकॉज शहनाज के लिए तो मे बी थोड़ा इंटेलिजेंट लड़का चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इंटेलिजेंट हाय बहुत क्यूट लगती है मेरे को दोनों की जोड़ी, बहुत बहुत क्यूट है, तो सिद्धार्थ उसे संभाल सकता है। पारस इज माई फ्रेंड एंड बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है पारस यू नो, बट ही स्वीट, यू नो घर में कोई बुरा नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को ऐसा बना देते हैं। I don't think so, they are my friends, I don't want to comment on this national television. वो मेरे को नहीं कमेंट करना है इसके बारे में, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं एंड बट आई थिंक वी ऑल शुड गिव देम स्पेस, थैंक यू वेरी मच। बिग बॉस मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, मैं बिग बॉस करने से पहले भी फॉलो करती थी और करने के बाद भी फॉलो करती रही हूँ, काफ़ी पसंद है मुझे शो, एक ह्यूमन नेचर की बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाई देता है शो में, यू नो द गुड बैड द अगली जो हम सब में होता है, एंड इट्स अ परफेक्ट एपिटमी ऑफ अ रियलिटी शो, और ये बहुत ही अच्छा सीज़न बनाया है, इट्स अ लवली सीज़न। बहुत ही टेढ़ा सीज़न हुआ है थैंक्स टू पारस, उन्होंने काफ़ी टास्क रद्द कराए हैं, बट ये हो जाता है घर में, उल्लंघन भी होते हैं यू नो रियल लाइफ में भी, हमारे सीज़न में भी हमने बहुत इंग्लिश बोली थी, बहुत सोए थे, तो वो सब होता है क्यों, और अच्छा लगता है देखना, बिकॉज कोई भी परफेक्ट रोबोट ह्यूमन बींग तो हो नहीं सकता, तो होता है खामियाँ होती हैं दिखती हैं, अच्छा लगता है शो देख के। सना एंड सिड, आई वुड लव टू सी सिडनास टुगेदर, आई एम डेफिनेटली हैशटैग सिडनास, मुझे उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी और बहुत रियल लगती है, कुछ है उन दोनों में जो व्यूअर को बहुत आकर्षित करता है। आई एम नॉट कंडोनिंग कि सब कुछ सही वो लोग करते हैं बोलते हैं, नहीं कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं शो में जो मुझे लगता है गॉड ये लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ रह चुकी हूँ तो मैं समझती हूँ कि क्यों कर रहे हैं, हो जाता है, मैं तो 2 महीने रही थी, ये लोग 4 महीने रहे हैं, तो डेफिनेटली टीम सिडनास एंड आई होप सिद्धार्थ विंस जी।
बहुत ही मज़ेदार होगा जब एक होस्ट से ही कंटेस्टेंट शादी करने को तैयार हो जाए. एंड आई थिंक यही एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा स्वयंवर का. उन दोनों में कुछ है और आई डोंट वॉन्ट टू लेबल कि वो क्या है, बट देर इज समथिंग वेरी रियल बिटवीन द टू ऑफ देम. तो अगर होगा सना का स्वयंवर तो मैं ज़रूर देखूंगी. और सिड होस्ट करें या ना करें, लेकिन शहनाज हरसेल्फ इज ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग पर्सन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ हर. लास्टली सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी, बिग बॉस इतना ज़्यादा टीआरपी में है, क्या लगता है फाइनल आने वाला है, आप लोग किसको सपोर्ट करना होगा तो करेंगे? और क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि सी बाकी लोग जनरली अगर आप देखें तो बाकी लोग फिर भी कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे मुकाम पे हैं, नोन फेसेस हैं. चाहे अगर शहनाज को ले लीजिए, शहनाज ऑलरेडी पंजाब में बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस कर चुकी है. सिद्धार्थ शुक्ला हो गया, ही इज ऑलरेडी डूइंग गुड इन टेलीविजन. लेकिन एक आसिम एक ऐसा है जो मतलब फॉर मी या बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते थे स्टार्टिंग में, बट उसका यहाँ तक पहुँचना और इतना स्ट्रॉन्ग बिहेव करना और एकदम अपना स्ट्रॉन्ग मोटिव रखना और अपनी बातें स्ट्रॉन्ग रखना, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने कमिटमेंट करना मैरिज के लिए भी बहुत बड़ी बात है. तो उसका यहाँ तक पहुँचना ही आपस में बड़ी बात है. और जहाँ तक अभी अभी आई थिंक जॉन सीना ने उसकी फोटोग्राफ अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है, तो ये बहुत लिटरली बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक ही विल विन, क्योंकि जितना सुनने में भी आ रहा है कि वोट्स भी बहुत काफ़ी उसको मिल रहे हैं, तो आई थिंक ही विल विन. I heard कि शनाज का होने वाला है. I heard शनाज और पारस का हो रहा है. आसिम को तो मिल गए ना यार, आसिम को तो मिल गई. वो तो थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि एक्चुअली किसके साथ रहना है. शनाज का स्वयंवर देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, 10 लोग होंगे और वो हर 10 को टाइम दे रही होगी इक्वल, और लास्ट में चलेगा कि 10 को 10 के साथ शादी कर ले. ओके, लास्ट में व्यूअर्स को क्या कहेंगे, किस तरह से आप अभी जाके एंजॉय करने वाले हैं और फिनाले में आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? अभी हम लोग अंदर जाके बहुत डांस करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं. फिनाले में तो ये जीत चुके हैं. हाँ, ये लोग तो जीत चुके हैं, ये लोग तो जीत चुके हैं. आसिम ऑफ कोर्स आसिम, और रीजन इन्होंने दिया है जो बहुत ही सही दिया है, वो वही रीजन सबसे जेन्युइन रीजन है फॉर हिम. बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जेन्युइनली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ही इज स्ट्रांग.